Assalamu alaikum dear students, it's Anam Khalid, head of department of chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. You are all welcome to the online classes. BS chemistry ka ye lecture analytical chemistry ka hai aur ye lecture chemistry 4th aur physics 4th dono ke liye jo hai wo ye lecture banaya gaya hai. Last time humne discuss kiya tha फिशबॉर्न प्रॉब्लम को और इसके अलावा कंट्रोल चार्ट को और स्ट्रेटिफिकेशन को. हमने तीनों को ड्रॉ करना सीखा कि किस तरीके से ये हमने बनाना है, इसको कैसे कैसे करना है. इसकी मैंने एक एक आपको असाइनमेंट भी दी थी. आज हम 7 क्वालिटी कंट्रोल जो सिस्टम होता है उसके थोड़ा आगे मूव कर रहे हैं. चौथा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, हिस्टोग्राम. इसका नाम क्या है, हिस्टोग्राम है. इससे पहले कि हम इस टॉपिक को पढ़ें, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज देना चाहती हूँ. हिस्टोग्राम एक सिंपल एक ग्राफ है जिसमें आप डेटा को पुट करते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने स्ट्रेटिफिकेशन के ग्राफ बनाए थे, ठीक है. लेकिन इसमें क्वालिटी को भी चेक किया जाता है. इसमें रैंक ऑर्डर बनाए जाते हैं. रैंक ऑर्डर का मतलब ये है कि रैंक के लिहाज से, यानी उनके दर्जों के लिहाज से, कि उनके पहले ग्रुप्स बनाए जाते हैं, फिर उनके रैंक के हिसाब से उनको हम अरेंज करते हैं. हिस्टोग्राम है क्या? सबसे पहले तो हमें ये देखना है हिस्टोग्राम क्या होता है. ये ग्राफिकल टूल है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये किस किस्म का टूल है. ये ग्राफिकल टूल है यूज़ टू विजुअलाइज द डाटा, जिससे आप डाटा को विजुअलाइज करते हैं. लेकिन डाटा को विजुअलाइज तो आप करते हैं, मगर डाटा की विजुअलाइजेशन जो है वो आप किस बेस पर करते हैं, वो आप रैंक्ड बेस पे करते हैं. अब वो डाटा कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, विद हिस्टोग्राम सॉफ्टवेयर. उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है. जैसे कि क्वालिटी का अमेरिका की SPC प्रोग्राम होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होते हैं जिनमें क्वालिटी कंट्रोल के, तो उसी तरह से आपका एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप होता है. हिस्टोग्राम अब है क्या? ये ग्राफिकल टूल है. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्या होता है. ये ग्राफिकल टूल है. ये एक ग्राफ है या एक बार चार्ट है, चार्ट की शक्ल में होता है. वेयर द हाइट ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसमें क्या होता है, फ़र्ज़ करें आप ये चाह रहे हैं कि मुल्तान के 10 इलाके हैं, उनमें COVID-19 जो है वो कितना मौजूद है. तो फ़र्ज़ करें ये एक इलाका है, एक रीजन है, दूसरे रीजन का ये आंसर आता है, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवें का ये, छठे का ये. तो यहाँ से जो पीक की हाइट होगी, यानी ये आपको क्या बताएगी कि यहाँ पर उतनी ही ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ज़्यादा होंगी. तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं बार चार्ट के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, और उसकी रेंज चेक करते हैं कि इसकी रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, यह कितना डेंजरस हो सकता है, या इसका क्या जो है वो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें आप किससे मालूम करते हैं, हिस्टोग्राम से. हिस्टोग्राम इन एक्चुअल है कि ये एक सिंपल एक बार ग्राफ है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है. एक बार ग्राफ है जिसमें आपने रैंक्ड ऑर्डर बनाने हैं. पहले रैंक्ड ऑर्डर बना के आपने उनको रिप्रेजेंट आपने करना होता है. हिस्टोग्राम के बारे में अगेन थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि हिस्टोग्राम क्या होता है. ये 7 बेसिक क्वालिटी कंट्रोल में से एक है. 7 क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हैं जिसमें से आज हम चौथा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं. तो हिस्टोग्राम है क्या? हिस्टोग्राम एक जो है 7 बेसिक टूल है क्वालिटी कंट्रोल का. हिस्टोग्राम बाज़ोकात कन्फ्यूज़ होते हैं बार चार्ट से. अक्सर औकात हम ये कहते हैं कि बार चार्ट और हिस्टोग्राम एक ही है, जबकि ऐसा नहीं होता. बार चार्ट और हिस्टोग्राम में बहुत फ़र्क है. हिस्टोग्राम जो है वो कॉन्टीन्यूअस डाटा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लगातार जो डाटा आपके पास आ रहा है वो कैसा है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम कॉन्टीन्यूअस डाटा के लिए होता है. वेयर एज़ द बिन्स रिप्रेजेंट द रेंजेज ऑफ डाटा. जो इसकी बिन्स होती हैं, यानी जैसे इसकी हाइट है, एक ये आता है, एक ये आता है, ये आता है, तो इसकी जो बिन्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि डाटा की रेंज क्या है. जबकि बार चार्ट एक कैटागोरिकल वेरिएबल्स, बार चार्ट एक सिंपल कैटागोरिकल, यानी आपने कैटेगरी कैटागोराइज किया किसी भी डाटा को और उसके वेरिए
वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, यानी जैसे आप फ़र्ज़ करें ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो क्लोरोक्विनिन जो कि अफेक्टिव होती है मलेरिया में, तो कितने लोग इससे जो हैं वो सेहतियाब हो सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, एक तरफ आप क्लोरोक्विन डालेंगे, दूसरी तरफ आप नंबर ऑफ़ पेशेंट्स डालेंगे, तो फिर आप दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये क्या होगा, ये कैटागरिकल वेरिएबल्स जो होंगे वो हिस्टोग्राम की सूरत में भी हो सकते हैं और वो बार चार्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन बार चार्ट एक कैटागोरिकल वेरिएबल की सूरत में होता है, जबकि हिस्टोग्राम एक कॉन्टीन्यूअस डाटा, हिस्टोग्राम चलता रहेगा जब तक आप उसके वेरिएबल्स को कंटिन्यू करवाते रहेंगे। उसके बाद अगेन थोड़ा सा बताया कि हिस्टोग्राम क्या है, ये ग्राफिकल डिस्प्ले है, यानी पहली बात तो ये टूल ही ग्राफ का है, ग्राफिकल टूल है। इट इज़ ए ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट हाइट्स। इसमें हम डिफरेंट बार कैसी होती है, जैसे एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो कहता है इसमें डिफरेंट हाइट्स की बार होती हैं। ऐसे हिस्टोग्राम में ईच बार ग्रुप नंबर इनटू रेंजेस, फिर उसकी रेंजेस होती हैं, ठीक है। टॉलर बार जो अब ये देखें, जैसे ये बार मैंने बनाई सबसे ज़्यादा लंबी है, तो टॉलर क्या शो करेगी कि इसमें ज़्यादा डाटा फॉल कर रहा है, यानी इसके अंदर जो डाटा है वो सबसे ज़्यादा है। हिस्टोग्राम क्या डिस्प्ले आपको करता है, हिस्टोग्राम डिस्प्ले करता है शेप को और स्प्रेड ऑफ कॉन्टीन्यूअस सैंपल डाटा। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके सैंपल बहुत सारे हैं तो आपके जो बार ग्राफ बनेगा उसकी शेप और होगी, और अगर सैंपल कम हैं तो उसकी शेप जो है वो और बनेगी, ठीक है। हायर दैट द बार इज़, जितनी बार हायर होती जाएगी, फिर अगेन बात वो बार बार यही कह रहा है कि बार की हाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितनी बार ज़्यादा हाइटेड होती जाएगी, जितनी वो लंबी होती जाएगी, उतना ही उस डाटा की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी, हायर होती जाएगी। तो इसको हम इसलिए क्या कहते हैं कि ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम डिस्प्ले करता है क्या, डिस्प्ले करता है ये कॉन्टीन्यूअस सैंपल डाटा को डिस्प्ले करता है, जबकि कैटागोरिकल डाटा को कुछ वक्फे के लिए शो करवाने के लिए हम बार चार्ट बनाते हैं। तो कभी भी आपने बार चार्ट में और हिस्टोग्राम के अंदर जो है वो इनको कंफ्यूज़ नहीं करना, ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। अब अगला सवाल आपको ये आएगा कि हिस्टोग्राम आपने ये तो देख लिया ये क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, अब अगला सवाल ये है कि आप इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन मेथड में क्या आता है कि सबसे पहले आपने 50 कंसेक्टिव डाटा पॉइंट्स लेने हैं। कंसेक्टिव डाटा पॉइंट्स कैसे हों, यानी उसके बाद एक एक सेकंड के वक्फे के बाद जो है वो क्या असर आ रहा है। आपने 50 लगातार डाटा 50 बार इकट्ठा किया। यूज़ द हिस्टोग्राम वर्कशीट टू सेट अप द हिस्टोग्राम, फिर आपने एक वर्कशीट बनाई। वर्कशीट कैसे बनाते हैं, जैसे हम ये बनाते हैं एक्सेल बनाते हैं ना, ऐसा ये होती है इसकी वर्कशीट। ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पर आपने एक्स एक्सिस पर लेना है एक वेरिएबल को और वाई एक्सिस पर लेना है दूसरे वेरिएबल को। फोर्थ पे फिर आपने हर डेटा पॉइंट के लिए मार्क ऑफ वन काउंट अबव द अप्रोप्रिएट बार विद एन एक्स एंड बाय शेडिंग दैट पोर्शन ऑफ द बार, फिर आपने बार के पोर्शन को शेड करना है, आपने ये बताना है कि इस रेंज में ये फॉल अप हो रहा है। इस तरीके से हिस्टोग्राम को आपने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने 50 कंजेक्टिव डेटा के पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, उसके बाद आपने हिस्टोग्राम की वर्कशीट तैयार करनी है, फिर आपने एक्स और वाई एक्सिस को ड्रा करना है, फिर आपने एक्स और वाई एक्सिस में ये देखना है कि शेडिंग एरिया जो है वो आपने कौन कौन से इसमें करने हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस सिचुएशन में हिस्टोग्राम आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। व्हेन टू यूज़ ए हिस्टोग्राम, अब इसमें सबसे पहले क्या हम करेंगे कि आप ये देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन चल रही है, व्हेन डाटा आर न्यूमेरिकल, जब डाटा न्यूमेरिकल होगा। अगर डाटा न्यूमेरिकल है, फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ पीपल 50 किसी एज के मुताबिक, ठीक है, किसी की 5 फुट है, किसी की 6 फुट है, तो ये न्यूमेरिकल डाटा है, इसमें एक नंबर दिया हुआ है। बाज़ूकार डाटा हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं होता, जैसे फ़र्ज़ करें ये कह दिया जाता है कि 5 का कलर वाइट है, 5 का कलर जो है वो ब्लैक है, तो ये न्यूमेरिकल डाटा जो है वो आपके पास एक्सटर्नल तो हो सकता
सकता है डाटा के पांच ये हैं पांचवा है, लेकिन आपके पास 100% न्यूमेरिकल आंसर नहीं आ पाता। तो जब आपका डाटा न्यूमेरिकल हो, नंबर की फॉर्म में हो, उस वक्त आपने हिस्टोग्राम इस्तेमाल करना है। सेकंड पे यू वांट टू सी द शेप ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली व्हेन यू आर डिटर्मिनिंग वीदर द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रॉक्सीमेटली और नॉर्मली। पहले फिर आपने ये देखना है कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से की जा रही है जिस हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट थी। थर्ड पे एनालाइजिंग वीदर अ प्रोसेस कैन मीट अप द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, क्या ये प्रोसेस जो आप बना रहे होंगे क्या ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर उतरता है। फोर्थ पे एनालाइजिंग व्हाट द आउटपुट फ्रॉम द सप्लायर प्रोसेस लुक लाइक, फिर आपने ये भी देखना है कि जो सप्लायर आपका है वो उसके मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारे पॉइंट आपने अपने ज़हन में रखने, अगर तो ऐसा है फिर आपने हिस्टोग्राम को इस्तेमाल करना होगा। लास्ट पे सीइंग वीदर अ प्रोसेस चेंज हैज़ अकर्ड फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर, क्या एक प्रोसेस में एक टाइम से दूसरे टाइम में कोई फ़ायदा आपको हुआ है, क्या उसमें कोई चेंज वाजिया आया। इस सूरत हाल में ये जो पांच पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर ये पांच पॉइंट्स आपके सामने हो रहे हैं फिर आप क्या कहेंगे कि आपने हिस्टोग्राम इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ आप हिस्टोग्राम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके आगे ये जो दो लिखे हुए हैं ये भी बल्कि इसके डिटर्मिनिंग रूल होते हैं कि कब कब आपको जो है वो इस्तेमाल करना है हिस्टोग्राम को। डिटर्मिनिंग वीदर दी आउटपुट ऑफ द टू और मोर प्रोसेस आर डिफरेंट, फिर ये ज़रूरी है कि अगर दो चीज़ों की आउटपुट डिफरेंट आ रही है, मतलब एक काम आप करते हैं आंसर और आता है, दूसरा काम करते हैं आंसर और आता है, अगर आंसर सेम आता है तो कभी भी आप हिस्टोग्राम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप हिस्टोग्राम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब दोनों प्रोसेस की आउटपुट क्या है, आउटपुट दोनों प्रोसेस की डिफरेंट हो। यू विश टू कम्युनिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा क्विकली एंड ईजिली टू अदर, फिर आप ये ऐसा भी कर सकें कि आप डिस्ट्रीब्यूशन डाटा ईजिली और क्विकली यानी तेज़ी से कर सकें, ये ना हो कि आप उसके अंदर उलझे ही रहें। एक आपके सामने जो है वो हिस्टोग्राम ज़रा ड्रॉ किया गया है, इसको देखें। कुछ क्वालिटी के डिफेक्ट्स आ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ हमने डिटेक्ट पर ये हमने हर घंटे में देखे कि कौन कौन से आ सकते हैं। देखें पहले घंटे में इतने आए हैं, फिर ये आए, फिर ये। अब आप खुद देखें कि सबसे ज़्यादा डिफेक्ट किस आर में आया है, 3 से 4, यानी आपको रेंज पता चल गई कि इस रेंज के अंदर जो टाइम में जिस बंदे ने काम किया है उसकी जो है वो अपनी मिस्टेक्स पर उसने गलत काम किया है। तो इस वजह से डिटेक्ट पर आर आपने लेना होता है अपने एक्स एक्सिस पर, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपने लेनी होती है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि आप क्वालिटी कंट्रोल को अच्छे से जज कर लेते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। अब हम हिस्टोग्राम की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, इसके फ़ायदे देखते हैं। हिस्टोग्राम की बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं इमेज ब्राइटनेस में, यानी इमेज ब्राइटनेस का मतलब ये है कि आप इससे इमेज की ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं। नॉट ओनली इन द ब्राइटनेस बस हिस्टोग्राम आर आल्सो यूजिंग द कंट्रास्ट ऑफ द इमेज, फिर किसी इमेज का हम कंट्रास्ट भी बना सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अनदर इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ हिस्टोग्राम टू इज टू इक्वलाइज द इमेज, फिर इमेज को आप किसी भी चीज़ का इमेज जो आप बना रहे हैं आप उसको इक्वलाइज भी कर सकते हैं। अगला जो टूल है वो है पेरीटो चार्ट। चार टूल्स हम पढ़ चुके हैं, फिशबोन प्रॉब्लम हमने पढ़ा, हमने कंट्रोल चार्ट पढ़ा, हमने स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ी, आज चौथा टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा, हमने हिस्टोग्राम पढ़ा। अब हम पांचवा जो है वो टूल पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम क्या है, पेरीटो चार्ट। ये पेरीटो चार्ट क्या है, पेरीटो चार्ट भी एक चार्ट ही है, इसमें कुछ भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेम वही है जो आप कंट्रोल चार्ट बनाते हैं। पेरीटो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ चार्ट डैट कंटेन बोथ बार, इसके अंदर बार्स भी होती हैं और ग्राफ भी होता है, यानी इसके अंदर बार ऐसी इस शक्ल में भी होती हैं जैसे हिस्टोग्राम में थी, और इसके अंदर ऑन द सेम टाइम लाइन ग्राफ भी ऐसे होते हैं जहाँ इंडिविजुअल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय बार। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये कि उन्हें कम होते होते जो है उस ऑर्डर में इन्हें डिस्क्राइब किया जाता है। एंड दी क्यूमुलेटिव टोटल, और जो आपका एंड आता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन से। चार्ट को नेम पेरीटो प्रिंसिपल कहा जाता है, विच इन टर्न डिराइव इट्स नेम फ्रॉम विलफ्रीडो पेरीटो जो कि इसका साइंटिस्ट था, और साइंटिस्ट तो नहीं था वो इकोनॉमिस्ट था, उसने ही ये पेरीटो चार्ट की बुनियाद रखी थी, तो उसी बेस पर हम इसको क्या कहते हैं, पेरीटो चार्ट कहते हैं। तो पेरीटो चार्ट क्या है, इसमें बार भी होते हैं और इसमें लाइंस भी होती हैं, और ओवरऑल जो डाटा आपका होता है उसको हम पुट करते हैं
हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कम्युनिटी डेटा जो होगा वो उसको हम लास्ट लाइन की सूरत में हमेशा शो करेंगे। पेरिटो एनालिसिस का बच्चों एक छोटा सा जो है वो आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है, ज़रा आपने इसको गौर से पढ़ना है। सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि आया जो प्रॉब्लम बार बार आती है इस प्रॉब्लम की क्या वजह है, उसकी रीजंस को आपने लिस्ट करना होता है। फिर रीजंस को लिस्ट करने के बाद फिर आपने उसका एक्शन लेना होता है कि अब उसको एक्शन क्या लें। ठीक है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को स्कोर करना है, फिर उसके बाद आपने उनकी ग्रुपिंग करनी होती है। तो मैं आपको 6 स्टेप्स ज़रा बताने लगी हूँ, आपने 1 by 1 इनको अच्छे से देखना है। नंबर 1 पे देखें, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ प्रॉब्लम। नंबर 1 नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने उन प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई जो किसी भी क्वालिटी के गलत होने की वजह से आपके सामने आई हैं। फ़र्ज़ करें आप जैसे एक एग्ज़ाम्पल अपने घर की लेती हैं, आप चाय बनाती हैं वो अच्छी नहीं बनती, तो आप पहले उसकी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाएंगी। उस प्रॉब्लम की लिस्ट क्या हो सकती है कि या तो आपका जो पत्ती है वो ठीक नहीं है, वो ठीक ब्रांड की नहीं है, या आपको चाय बनानी नहीं आती, या आपका चूल्हा सही काम नहीं कर रहा, या आप जो उसके अंदर दूध डाल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या आपका प्रोसेस ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उन प्रॉब्लम्स की लिस्टिंग करेंगे। सेकंड पे आप फिर रूट कोज आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर आप उनमें से वो प्रॉब्लम देखेंगे जो वाकई में एग्जिस्ट करती हैं, जो वाकई में उसका हिस्सा हैं। यानी ये नहीं है कि फजूल सी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना के तो आप उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। आप हर प्रॉब्लम को इतना स्कोरेज नहीं दे सकते, तो आपको पहले उनमें से उन प्रॉब्लम्स को ढूंढना पड़ेगा जो कि ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड पे स्कोर द प्रॉब्लम, फिर आपने इनकी स्कोरिंग करनी होगी। स्कोरिंग कैसे करनी है, फिर आपने नंबर देने हैं कि जैसे अभी चाय की एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी, तो इसमें आपका दिल नहीं कर रहा चाय बनाने का, तो ये काफ़ी बड़ा आप इसकी ये सबसे मेजर प्रॉब्लम ये हो सकती है। वरना दूध अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पत्ती अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ये नॉर्मली ये जो हैं वो आपके रीजंस नहीं हो सकते। तो आपने फिर उन रीजंस को देखना है, उनकी स्कोरिंग करनी है कि सबसे ज़्यादा स्कोर कौन सा प्रॉब्लम लेकर जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा लेकर जा रहा है आपने उसको ही फिर सेटिस्फाई करना होगा। फोर्थ पे आपने उन प्रॉब्लम्स की ग्रुप बनाने हैं कि कौन सा प्रॉब्लम जो है वो इन एक्चुअल एग्जिस्ट कर रहा था, उन प्रॉब्लम्स की ग्रुपिंग आपने इसके अंदर करनी होगी। फिफ्थ पे आपने एडिंग अप ईच ग्रुप स्कोर, फिर आपने हर ग्रुप का जो स्कोर होगा उसको एडअप करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 6th नंबर पे अपना नेसेसरी एक्शन जो आप लेना चाहते हैं आपने वो लेना है। तो एक पेरिटो एनालिसिस आपने अपने घर की कोई एग्जांपल लेके पेरिटो एनालिसिस बनाकर मुझे इसके असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है, मेरा ख्याल है आपको समझ भी आ गया होगा। अब लास्ट ईयर जो है वो एक क्वेश्चन आया था कि पेरिटो चार्ट में और हिस्टोग्राम में डिफरेंस लिखें, इस वजह से मैंने एक कैटेगराइज डिफरेंस आपके सामने रखा है, तो आपने इसको देखना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम क्या है, इसमें बार चार्ट, ये बार चार्ट की सिंपल एक किस्म होती है, लेकिन मैंने आपको बार चार्ट और हिस्टोग्राम में भी फ़र्क बता दिया कि बार चार्ट जो है वो सिर्फ कैटेगोरिकल डाटा होता है, जबकि आपका जो हिस्टोग्राम होता है वो कंटिन्यूस डाटा होता है। ठीक है, हिस्टोग्राम इज़ अ काइंड ऑफ बार चार्ट शोइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स दैट कॉजेज अ प्रॉब्लम। इसमें आपको वेरिएबल्स पता लगते हैं जो कि प्रॉब्लम कॉज कर रहे होते हैं। पेरिटो चार्ट क्या है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का हिस्टोग्राम है, यानी ये हिस्टोग्राम की ही एक टाइप है जिसमें जो रिप्रेजेंट क्या करती है कि प्रॉब्लम्स के कॉज क्या हैं, फिर वो कॉज उस पर क्या असर डाल रहे हैं। इट इज़ यूजफुल टूल टू प्रायोरिटाइज, यानी आप ये आपकी प्रायोरिटीज़ देता है करेक्टिव एक्शन, सही एक्शन लेने के लिए, एज एरर विद द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट डिस्प्लेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो वाकई में एरर की वजह बनते हैं। फिर उसके बाद हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करता है कॉज ऑफ प्रॉब्लम को। हिस्टोग्राम ये बताता है कि किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी जो मसला आ रहा है कोई भी आपको, उसकी क्या वजह है।
ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कॉज ऑफ प्रॉब्लम एज द हाइट ऑफ द कॉलम। कॉलम की जितनी ज़्यादा हाइट होगी, ये बात मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। पैरेटो चार्ट में आर्क रिप्रेजेंटिंग द कम्युलेटिव परसेंटेज इन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ कॉज इज ऑल्सो इंक्लूडेड। उसके अंदर एक आर्क बनती है जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है, इसमें कम्युलेटिव परसेंटेज बनती है कि परसेंटेज जो है वो क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स को कॉज देखा जाता है और उन्हें अच्छे से समझा जाता है। पैरेटो चार्ट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस नंबर वन पे सबसे पहले क्या है, क्लियरली शोज़ द सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल। इसमें वो वेरिएबल भी आ जाएंगे जो ज़रूरी हैं, सिग्निफिकेंट थे, और वो वेरिएबल भी आ जाएंगे जो इनसिग्निफिकेंट थे, जब तक जो ज़रूरी नहीं थे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मे नीड मोर देन वन चार्ट। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये कि इसमें एक से ज़्यादा चार्ट हमें चाहिए। इसका एक फ़ायदा और क्या है, अलाउ यू डिटरमिन विच प्रॉब्लम में नीड टू बी एड्रेस फर्स्ट। फिर आप ये भी आप कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम को सबसे पहले दूर करना चाहिए, कौन सी को उसके बाद दूर करना चाहिए, तो ये आपको इस बात की अलाउ करता है। फिर पैरेटो चार्ट की एक सबसे बड़ी एप्लीकेशन या इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, कैन हेल्प यू वर्क विद लिमिटेड रिसोर्सेज सिंस द डाटा इज़ डिस्प्लेड हायरार्किकली। हायरार्किकली का मतलब ये होता है कि तंजीम से, यानी पहले छोटे लेवल से शुरू करना और फिर बड़े लेवल तक जाना। पैरेटो चार्ट के नुकसान क्या है, ये सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा बताता है, कैनॉट यूज़ इट टू कैलकुलेट मीन। इससे आप ना तो मीन निकाल सकते हैं, ना एवरेज निकाल सकते हैं, ना ही कोई स्टैटिस्टिक्स जो है वो इसमें आप बता सकते हैं। डू नॉट आइडेंटिफाई व्हाट इज़ कॉजिंग द प्रॉब्लम डैट इज़ बीइंग एनालाइज्ड। आपको अक्सर औकात यही नहीं पता चलता कि वो प्रॉब्लम है क्या जिसको आप एनालाइज कर रहे थे। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं पैरेटो चार्ट के। अब आपके स्टूडेंट्स दो क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स रह गए हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हमने वो भी कर लेने हैं। तो उसके बाद 7 क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का मैंने आपसे टेस्ट लेना है। इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, देखें। असाइनमेंट आपकी मैंने जूम में, आपकी जब क्लास होगी हमारी, आई थिंक थर्सडे को क्लास है आप लोगों की, तो थर्सडे को मैंने आप सबसे ये असाइनमेंट जो है वो ऑनलाइन चेक करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।